ये आपके हाथ में कैमरा है क्या? गुड मॉर्निंग, सुबह के बज चुके हैं 6 और कल रात में मौसम आंधी पानी वाला था, काफ़ी आंधी आई, बारिश भी हुई है काफ़ी, तो ये जो साइक्लोन इफेक्ट था यास का वो धीरे धीरे अब दिल्ली पहुंचा है जाकर के। मौसम फ़िलहाल ठीक हो गया है, ठंडा है मौसम, पर एक ह्यूमिडिटी जैसी है। और ये दाढ़ी ना बार बार बहुत परेशान कर रही है, मेरे नाक में घुसती है, मेरे इधर उधर इरीटेट करती है, सोने में भी बहुत परेशानी करती है यार। आज इसको ना काट के बराबर कर दूंगा। चलो योगा शुरू करते हैं। आज की योगा क्लास तो हो गई, पर आज प्रॉब्लम ये है कि आज गाजियाबाद में लाइट ही नहीं आ रही है। दिक्कत ये है, हम लोगों का जो भी था इन्वर्टर, रात भर क्योंकि एसी चलता है, रात में भी लाइट आती जाती रहती है, और सारा इन्वर्टर सब कुछ डिस्चार्ज हो गया है। थोड़ा बहुत जो इस कैमरे में जो बैटरी है वो थोड़ी सी बची हुई है, फ़ोन भी ऑलमोस्ट हाफ है, लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो चुका है, और ये गाज़ियाबाद है गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश, यहाँ कब लाइट आएगी कोई पता नहीं है। तो जब आएगी तब आगे काम बढ़ेगा, तब तक के लिए टेक केयर। फाइनली जो है लाइट आ गई है, 9 बज रहा है, पर अभी कुछ भरोसा नहीं है क्योंकि बादल बाहर हो रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद थोड़ी देर में लाइट फिर चली जाए, तो इसलिए फटाफट जल्दी जल्दी जितना भी अपना रिचार्ज कर सकते हैं उसको चार्ज कर लें। दाढ़ी तो बनानी है यार, खजली कर रही है दाढ़ी बहुत, अब काट के ख़त्म करते हैं। तो हो गया, नहा धो लिया गया है, अभी ट्रिमिंग भी कर ली है। तो काफ़ी पुराना ट्रिमर है ये मेरा, जो भी जिससे यूज़ करता हूँ, फिलिप्स का ट्रिमर है, लगभग 2012 में ख़रीदा था, कुछ 1100 या 1200 रुपए का। आदू टहलो टहलो, ओए अभी भी ठीक चल रहा है, अभी भी अच्छा चल रहा है, सर के बाल काट देता है, दाढ़ी शेव आपकी जो भी है ट्रिम कर देता है, वेरी नाइस। और अभी भी कुछ आगे आने वाले सालों तक वो ऐसे ही चलता रहेगा। फुल थम्स अप टू फिलिप्स ट्रिमर। तलवार है क्या ये आपकी? हाँ। तलवार लेके घूम रहे हो? पता नहीं, आपकी क्लास हो गई आज? क्या बनाया आपने? अच्छा इसमें दिखाओ, मुझे कैमरे में दिखाओ क्या बनाया आज आपने, टीचर ने क्या सिखाया आज आपको, आपके टीचर का क्या नाम है? आपके हाथ में कैमरा है? हाँ, तलवार। मेरे हाथ में कैमरा है। तो आप लोगों ने महारानी देखा कि नहीं देखा? अच्छा सीरियल है, 8 या 10 एपिसोड के सीरीज है पूरा। शुरुआत में थोड़ा सा जो कहानी है उसको थोड़ा पकड़ना पड़ता है, 1 एपिसोड 2 एपिसोड हम देखते हैं तब समझ में आता है, बट जो उसकी बेस स्टोरी है कि जो बिहार में जातिवाद और जो पॉलिटिक्स है उसके बैकग्राउंड पे बना हुआ ये सीरियल है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप भी देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। जिस तरीके से उसको बनाया गया है और जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया, लास्ट में जिस तरीके से उमा कुरैशी जो कि रानी बनी है सीरीज़ में, काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी, काफ़ी अच्छा रोल निभाया उसने, बहुत ही अच्छे कलाकार थे। देख करके दिल प्रसन्न हुआ कि इस तरीके का अगर हम कुछ दिखाते हैं टीवी पे, लोगों को जनता को बताया जाए, तो शायद उनके मन में जो जातिवाद का भ्रम है और जो जाति को लेकर के भ्रांतियां हैं तरह तरह की, वो शायद ख़त्म हो, वो दूर हो। देखिए आप भी जाकर के महारानी, अच्छा सीरीज़ है, वाच। बस इतना ही, कल हम लोग करेंगे योगा।